सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी के बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं, और यार व्लॉग का कुछ और था, मेरा कहीं और जाना था और कहीं और का व्लॉग बन गया। सो अभी का सीन ऐसा है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और पार्टी करने वाले हैं हम लोग, मतलब घर घर में फैमिली। तो अभी सामान लेके आएंगे पार्टी के लिए, सामान लेने जा रहे हैं अभी, तो पूरा मैं दिखाऊँगा वीडियो वहाँ की। तो लास्ट में नगर जा रहे हैं अभी सामान लेने, फिर पार्टी वार्टी करेंगे घर पे, और केक भी कटेगा वो स्पेशल है, मैं बाद बताऊंगा क्यों केक काट रहे हैं हम, क्या है कुछ नहीं बताऊंगा अभी, बाद बताऊंगा। तो अभी चलते हैं पहले लास्ट में नगर, सामान लेके आते हैं। फाइनली अभी आ चुके हैं जो कि है डक्स फास्ट फूड, दिख रहा होगा आपको, ये है लंच नगर में। तो अभी यहाँ से सामान पैक करवाते हैं, फिर कहीं और मतलब सामान टुकड़ों में लेना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, हर दुकान पे एक चीज नहीं मिलेगी जो चाहिए। तो अभी यहाँ से कुछ कर लिया, अभी कुछ और चलेंगे आगे। तो डोसा यहाँ से पैक करवा लिया, और टिक्की बतासे, पानी बतासे, और पिज़्ज़ा वीज़ा उधर से लेंगे यहाँ से। तो ये दुकान है उसकी, क्या कहते हैं, डक्स फास्ट फूड है ये, देखो ये है डक्स फास्ट फूड, देखा होगा आपने तो वैसे लाजपत नगर में है। दिल्ली चाट भंडार से पहले ही है, दो कदम पहले, वो बहुत सही है यहाँ के। तो वहाँ पे यार बहुत रेट हाई है, मैंने पहले बोल दिया होगा वीडियो में, चीप रेट है पर बहुत हाई रेट है वहाँ पे, और क्वालिटी भी सही है नॉर्मल है, पर यहाँ की ये सही है। तो चलते हैं पहले सामान ले लेते हैं। अभी फाइनली ले लिया सामान, अभी थोड़ी जगह से बाहर से और लेना है, फिर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी आ गया हूँ मैं ग्रिल के लिए। ए इशुभा जी, ये यहाँ रख दे रहा हूँ, ये यहीं रख दे रहा हूँ। हाँ मलाई चावल, 3 रोटी। तो ये शॉप है यहाँ पे जहाँ पे मलाई चावल लेने आया हूँ, प्रभात मार्केट पे यही है, ये देख लो आप, इस जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है, न्यू ग्रिल चाप, हॉट ग्रिल चाप। सो भाई इनसे भैया से नंबर ले लिया, अभी इनकी एक शॉप और है वो मंडी चौक में है शायद, तो वहाँ का भी ब्लॉग बना लेंगे शायद, बन जाएगा, अभी तो यहाँ का ही नहीं बनाया तो वहाँ का क्या। तो फिर चलते हैं पहले यहाँ से ले लें, फिर सोचेंगे आगे ब्लॉग बनाने का, वो तो उन्होंने बोल दिया है कि बना लेना। ठंड हो रही है भाई बहुत, और फूफा जी अभी ले रहा है वहाँ खड़े हैं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ठंड में ही मतलब ज़्यादा शॉप चलती है इनकी, ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और प्रभाव मार्केट तो देखी होगी आपने, ये यहीं पास में बिल्कुल सामने प्रभाव मार्केट के, स्पेशल में पैक हो गई है। अभी फिर चलते हैं घर, अभी तो दूसरी दुकान पर भी लेना है, फिर गुलाब पड़ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो अभी रुक जाओ ले लेते हैं। देख सकते हो एक खास बात, पुल चालू हो गया है प्रभात मार्केट का, अभी भी ट्रेन रुकी पड़ी है और बहुत देर लग जाती थी, तो अभी फिर स्कूल से चलते हैं, कम से कम टाइम तो बचेगा शायद, हम लोग गार्डन कराओ पता नहीं कब हुआ है चालू, हॉर्मी बन रहा है परसों। अच्छा बन तो पहले ही गया था, ये बहुत दिन का बना हुआ है पर चला हुआ है। तो अभी तो आ गया हूँ गोविंद नगर गल्लो पास में पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि नई शॉप खुली यहाँ पे पिज़्ज़ा की बहुत साल बाद, यह शॉप देख सकते हो आप प्रभात, सॉरी गलम पाँच में अंदर। तो अभी 2 पिज़्ज़ा मंगाए हैं, फिर चलते हैं लेके इन्हें भी घर पे, और थोड़ा सामान ये रखा है मतलब बर्थडे के लिए भी, मतलब बर्थडे शॉप भी है और भी सही है। केक 170 है, 170 पे फोन, और पिज़्ज़ा 99। अच्छा ये सही है, और एड्रेस तो आप देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ तो बना लो बाद में, तो अभी घर आ गए, घर आने के बाद बहुत सामान हाथ में था। हाँ भैया हाँ, सामान बहुत था हाथ में तो वीडियो बना ही नहीं पाया, और ये देखो क्या ये वीडियो में ले लो। और ये बैठे हुए हैं और जल्दी बहुत काट रहे हैं ये लोग, ये बैठे हैं अभी, तो इन्हें पार्टी दी है हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं ऊपर। अभी मैं केक भी ले आया था, ये है केक, वैसे नीचे चलते हैं फिर कटवाते हैं। एनिवर्सरी में बता दूँ पहले आपको, फूफा जी और बुआ जी की एनिवर्सरी है, सो उसके लिए इतना करा है, तो चलते हैं नीचे चलो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, और केक तो कट गया, अभी ऊपर आके सामान जला के खा लेते हैं, भूख तो वैसे ही बहुत लग रही है, रात तो हो गई है, मतलब सामान ठंडा हो गया, बहुत दुकान से लाना था वहीं से लाए हैं। दिखाया, बोलो बोलो आप कुछ बोल। हाँ और ये है, हाय फ्रेंड्स, मेरे भैया की वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना, ऐसे जानवरों की तरह कर रहे हैं भैया, हमें समझ में नहीं आती। तो एक एक दे दो, दोनों को एक एक दे दो। हाँ एक एक दे दो। नहीं आई, तो मैंने आज सोचा था कि मैक्रोनी का चैलेंज करेंगे शाम को, सुबह कोई मैंने बोल दिया था। और कभी कभी दिखा दी इन दोनों को, देखो कैसा लगा पिज़्ज़ा खाने में, इसके तो मुंह से ही गिर गया,
क्या करें, वही लाके ही देते हैं, कभी खाती नहीं है तो क्या जाने बेचारी। और वीडियो के नाम बता रहा था, चैलेंज करने ही वाला था मैं उसको, मैंने करा नहीं। फिर यहाँ पे ये आ गया तो मैं तुझे यहाँ का बना देते हैं। और मैं तो अपने लिए आया मलाई चाप, बात खत्म। मैं मलाई चाप खाऊंगा और जो जो जिसको जो खाना है वो खाए। वीडियो तो अभी पार्टी तो हो गई खत्म, सब चले गए घर। बार यार बहुत खराब हो रहा है, बार मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो ये है केक, इस केक को हमें ही खाना है बेचारे को, बहुत सारा है। तो मदद करने आ जाना, कमेंट में बता देना जो जो आ रहा है घर पे, थोड़ा सा केक है। तो देख लिया होगा आपने, कहते खा रही है और इतना सही दिया है मुझे, और सब लेके बैठ गए केक। अभी थोड़ा जिस जिसको देना था उसको दे दिया, थोड़ा सा बताए। ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो उसके सामने। ये देखो ये देखो, खा ले तू, खा ले आराम से, खा तू बैठ के। और ना मम्मी को दिया ना पापा को दिया, आराम से खा रही खुद ही बैठ के। हाँ तुम नहीं खाओगे, तुमने खाया था, ठीक है। हाय गाइस, कमेंट करो मेरी भैया की वीडियो को, कमेंट करना और कमेंट में ये कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नहीं आई होगी इसकी, ये कह रही है कि वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो पार्ट अच्छा लगा वो बताना कमेंट में, ये कह रही है। हाँ यही कह रही है, जो पार्ट अच्छा लगा कमेंट में बताना। तो जिसको आना है वो आ जाना पार्टी। अभी तो वैसे तो खत्म हुआ, अब कौन आ सकता है। तो वीडियो डलेगी मेरी देख लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो नए चैनल पर मैं बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।